नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। कमलनाथ सरकार के राज में वल्लभ भवन में कई महत्वपूर्ण विभाग महिला आईएएस अधिकारियों द्वारा संभाले जा रहे हैं। वल्लभ भवन के गलियारे में इस बात की विशेष रूप से चर्चा है कि महिला अधिकारियों को अब जो दायित्व दिए गए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। कमलनाथ सरकार में कई नए प्रयोग भी किए। मसलन कमलनाथ ने पहली बार ओएसडी महिला आईपीएस अधिकारी को बनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव कमलनाथ की नई ओएसडी हैं। इसके साथ ही भोपाल कमिश्नरी में भी नया प्रयोग करते हुए यहां पर पहली बार किसी महिला अफसर को कमिश्नर बनाया गया है। यहां पर कल्पना श्रीवास्तव को भोपाल संभाग का दायित्व दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रश्मि अरुण शर्मा को दी गई है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में पल्लवी जैन गोविल को तैनात किया गया है। अपर मुख्य सचिव गोरी सिंह को पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत राज आयुक्त उर्मिला शुक्ला संभाल रही हैं और मनरेगा की आयुक्त हैं जीबी रश्मि। इस तरह नीलम शमी राव खाद्य विभाग में कार्यरत हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध संचालक सूफिया फारूकी वाली हैं। और इसी तरह से राज्य सहकारी विपणन संघ की प्रबंध संचालक है स्वाति मीणा नायक। राज्य भंडार गृह निगम में भी प्रबंध संचालक नीलम शमी राव और अपर संचालक भारती ओगरे हैं। इसी तरह से उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव सलीना सिंह तो खेल तथा युवा कल्याण का दायित्व संभाल रही हैं वीरा राणा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।